लाल सागर में यमन के हूती के हमलों की वजह से अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों को झटके पे झटके लग रहे हैं। हाल ही में जर्मनी का युद्धपोत हेसेन लाल सागर छोड़कर वापस जर्मनी चला गया था, जिसे यूरोपियन यूनियन के सैन्य अभियान के तहत फरवरी 2024 में लाल सागर में भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका का यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर भी लाल सागर छोड़कर पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना हो चुका है। जानकारों का मानना है कि हूती ने लाल सागर में अमेरिका और पश्चिमी देशों की जोर आजमाइश को धूल चटा दी है, जिसकी वजह से अब एक एक करके पश्चिम के युद्धपोत लाल सागर से मैदान छोड़कर जा रहे हैं। और मार्च के महीने में ही हूती के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा था कि इसराइल से जुड़े जहाजों को केप ऑफ गुड होप की ओर हिंद महासागर से गुजरने से रोकने के लिए वो अपने हमलों को और ज्यादा दूरी तक बढ़ाएंगे। और अब इस सब के बीच लाल सागर में हूती के हमलों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने के बाद हूती के हौसले और बुलंद हो गए हैं, और अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में एक नहीं बल्कि चार हमले करके भूचाल ला दिया है। सबसे पहले उसने कमर्शियल जहाज बुलकर साइक्लेड्स पर एक मिसाइल से हमला किया है। हूती का कहना है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा है। इसको लेकर यूके मैरिटाइम एंड ट्रेड ऑपरेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसका चालक दल सुरक्षित है। जहाज फिलहाल अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ रहा है। मैरिटाइम ट्रैफिक डेटा के मुताबिक इस जहाज पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था, जो उत्तर की तरफ लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। इक्वेसिस के मुताबिक ये जहाज पूर्वी भूमध्य सागर में जहाजों के बेड़े का हिस्सा था। वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया साहरी ने कहा कि इस जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो इस महीने 21 अप्रैल को उम अल रशरश ईलत बंदरगाह की तरफ जा रहा था। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله فيما نفذت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة سي كلايدز في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 من أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر। आपको बता दें कि हालिया दिनों में कमर्शियल जहाजों पर हूती का ये सीधा हमला है जिसमें किसी जहाज को नुकसान पहुंचा हो। इससे पहले 26 अप्रैल 2024 को हूती ने पनामा के झंडे वाले एंड्रोमेडा स्टार जहाज पर एक मिसाइल हमला किया था। इसके अलावा दूसरा हमला हूती ने MSC कंपनी के MSC ओरियन कंटेनर जहाज पर किया है। आपको बता दें कि इस जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था, लेकिन इसके मालिक इसराइल अरबपति ओयल यालोफेर है। बड़ी बात यह है कि MSC ओरियन कंपनी इजरायली अरबपति यालोफेर की है और इस कंपनी के कई जहाजों पर हूती ने मिसाइल हमले किए हैं। मार्च 2024 में हूती ने MSC स्काई 2 पर भी एक हवाई हमला किया था, और अब 29 अप्रैल 2024 को हूती ने बुलकर साइक्लेड और MSC ओरियन पर हमला किया है। इसके बाद हूती ने अमेरिका के दो युद्धपोतों पर ड्रोन अटैक किया, जिसे अमेरिकी युद्धपोतों ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। अमेरिकी समुद्री प्रशासन के अनुसार हूती ने नवंबर से अब तक इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं। एक जहाज को जब्त कर लिया है और दूसरों को डुबो दिया है। हूती का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में अपने हमले बंद नहीं करता, तब तक ये हमले जारी रहेंगे।